Hello, good evening, students. So, how are you all? I hope that everyone is fine. Yes, class, you have to take care of yourself because अगर health is not okay, अगर health अच्छी नहीं है, then ultimately आपकी studies affect हो जाएंगी, right? So, yes, we will be taking care of our health and then simultaneously we will be studying. Okay, so with this good note, class, I'll just welcome you all to an academy platform and जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये दो फंडे हैं। सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है। अब ये क्या इंटरेस्टिंग, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट, हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फोकस ऑन दी बेस थिंग, ठीक है। एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस का आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। सो विद दिस गुड नॉट दैट यू नो वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो क्लास विद दिस गुड नॉट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास सारा प्योर है, ये आपके चैप्टर का नाम है, दैट इज चैप्टर नंबर टू। सो चैप्टर नंबर टू में हम ऑलरेडी, दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्लास, हम इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है क्लास। तो आप मेरी अगेन मेरी प्लेलिस्ट ओपन करो क्लास अपार्ट चैनल में ही, एंड उसमें ही हमने चैप्टर वन एंड चैप्टर टू के बहुत सारे पार्ट्स कवर करे हैं। हमने वन शॉट वीडियो करी है, हमने बहुत डिटेल में भी बात करी है, so you can see over there, okay। and class so after covering it, and it's not like कि आज आप आए हो तो आप पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आए हो सो डेफिनेटली हम कुछ सीख के जाएंगे, राइट। आपके लाइफ का एक फिलोसफी होना चाहिए दैट यू शुड बी बेटर देन यस्टरडे, आप कल से बेहतर होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली कैसे बेहतर, आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं, यू विल बी अल्टीमेटली लर्निंग समथिंग, राइट, एक चीज समझ आए, यू नो, लेकिन हम इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक चीज नहीं, हमें सब चीज समझ आएंगे जो आपको कल नहीं आती थी, टुडे यू लर्न इट, राइट। सो यू आर बेटर देन यस्टरडे, यू शुड नो दिस फिलोसफी एंड इसको यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ओके क्लास। एंड वी विल लर्न इन अ वेरी फन वे, हम बातें बातें करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर तो हर कोई देता है, हर कोई देता है आगे टीचर्स, एंड देन चलो बच्चों आज खोलो नोटबुक्स एंड चलो आज हम पढ़ने लगते हैं ये चैप्टर, करो ओपन। सो क्लास हम यू नो वी विल बी लर्निंग इन वेरी फन वे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय हम इज दैट यू विल आल्सो डू एक्सपेरिमेंट्स विद मी, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको कराऊंगी, आप भी अपने मटीरियल्स के साथ, यू नो, जैसे जैसे, ऐसा कोई हाइपर मटीरियल्स नहीं है, बहुत ईजी मटीरियल, सो वी विल बी यूजिंग दैट एंड देन हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से वी विल स्टडी इट। सो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट क्विकली, ओके, क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो क्लास बेसिकली जो बच्चे नए आए हैं, सो क्लास आई एम रश्मि यादव एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फ्रॉम वुमेन एंड करंटली आई एम अ TGT टीचर एंड इन अन अकेडमी आई एम फ्रॉम K-12 कैटेगरी एंड क्लास आई टॉट यू नो मेनी स्टूडेंट्स ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट नाउ ऑनलाइन इज गोइंग ऑन, सो करंटली आई एम टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड एंड क्लास येस आई यू नो आई नाउ आई एम हेयर विद यू, राइट, फॉर यू आई एम हेयर एंड आई विल मेक, ओके, वी विल टूगेदर वी विल मेकिंग ईच अदर मास्टर्स ऑफ साइंस, हम एक दूसरे को क्या बहुत अच्छा साइंस में यहाँ से यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्लास का मोटिव होना चाहिए कि कल से बेहतर और हम यहाँ से यहाँ हमें आना है, ओके क्लास। बिफोर स्टार्टिंग डूइंग लेट मी जस्ट यू नो टॉक अबाउट सम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली क्लास आप स्कूल में यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट, सब बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, जो नहीं ले रहा वो घर पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यू हैव टू बी समथिंग यू नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
So how can you be different? Can you can understand this word ace? What do you mean by this? Number one, ace your school exam with an academy. Yes, class, you can excel by just an academy. An academy के पास इतने अच्छे educators हैं. If you will take subscription, अगर आप subscription लेते हो, कहाँ से लोगे subscription? So basically एक app आता है, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप. ये प्ले स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है? आपको जितने आपको पता होगा, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप इट्स वेरी फेमस ऐप. सो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो. अब प्ले स्टोर में ये नहीं चले जाना कि प्ले स्टोर ओपन कर लिया तो अब तो जाके लर्नर ऐप डाउनलोड करना था, लेकिन गेम डाउनलोड करके बैठ गए, ठीक है? सो क्लास, यस, आप प्ले स्टोर पे अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करो एंड देन उसके बाद यू विल गेट अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आप, यस, उसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे आपके हल्के से हेल्प के लिए. आई कैन शो यू दी प्राइस. आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो दिस ऑफर इज गोइंग ऑन क्लास. दिस इज फॉर योर बेटरमेंट. आप ये ऑफर यूज करो, RAY10. ओके, अगर आप ये ऑफर यूज करते हो सो अल्टीमेटली आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. सो ये क्लास, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपका फोकस एरिया, आपका जो मोटिव है क्लासेस लगाने का, वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट? सो यस, वी कैन टेक, वी कैन डाउनलोड द ऐप एंड देन वी कैन टेक सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन लिस्ट. द मोमेंट यू विल डाउनलोड द ऐप, यू कैन सी दिस क्लास 9, 10, 11 एंड 12 सब्सक्रिप्शन. ठीक है, नाउ यू आर इन द हायर क्लासेस, राइट? हम 8, 7, 8, 9, हम 7th में, 8th में, 6th में, वी स्टडीड, हमने ट्यूशन लिया, खुद पढ़ लिया. लेकिन नाउ जब आपका साइंस का बेस बनता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली साइंस, और भी सब्जेक्ट का जब बेस बनता है, इट शुड, यू ऑल शुड बी रियली फोकस्ड. सो अगर हम सब्सक्रिप्शन पिच के बारे में बात करें तो सी ओवर हियर, फॉर 48 मंथ इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 833 rupees. इससे ज्यादा को तो हम पिज्जा खा जाते हैं, ठीक है? पर मंथ, यू विल बी जस्ट कॉस्टिंग 833. क्लास, इतना भी पे नहीं करना होगा आपको, 833. अगर आप ये कोड यूज करते हो RAY10, देन सी 750. जस्ट 750 आपको एक मंथ आपको पे करना है. एंड यस, 48 मंथ के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एजुकेटर्स, अन अकेडमी एजुकेटर्स आर देयर फॉर यू टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, एन प्लस सब्सक्रिप्शन है. सो बेसिकली देयर आर सम फीचर्स, आप बहुत ही आप अवेल करो उन्हें, ठीक है? यूट्यूब में यही फायदा है. आप बोलोगे मैम यूट्यूब पे तो क्लासेस हम ले रहे हैं, तो क्लास यूट्यूब पे आप आ रहे हो बट आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आ रहे हो, डाउट सॉल्व कैसे होंगे? गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन एंड आपको ये सारी सब्सक्रिप्शन पिच दिख रही है, 48 मंथ, 36 मंथ, 24 मंथ, 18, 15. सो आप अपने कंफर्टेबिलिटी पे आप कोई भी अपना ले सकते हो. आई प्रेफर दैट, अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता सो मैं 48 मंथ का रिकमेंड करती. क्योंकि क्यों? बिकॉज यहाँ देखो 750 rupees आप पे कर रहे हो एक मंथ में. लेकिन अगर आप 3 मंथ का ही लो तो आप इतना ज्यादा पे कर रहे हो, 2250 पर मंथ. सो अल्टीमेटली 48 मंथ विल बी मोर बेनिफिशियल. 67% ऑफ चल रहा है. आप अपना ये कोड यूज करो RAY10 एंड अपना ये जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन से, सो अवेल इट, ठीक है क्लास? सो आफ्टर दिस सेशन आप सब जाना फटाफट से डाउनलोड करो ऐप, टेक अ सब्सक्रिप्शन एंड नाउ यू आर फुली रेडी to be the winner of the competition, right? Okay, so we already discussed about the concentration of ore. Class, concentration of ore kya hota hai? Humne padha tha, dekho, humne, for example, we have a beaker, humare paas beaker hai, now we have a water in it. Water hai, I'll just recap a bit, aapko halka sa ki yaad aa jaye. Pani hai, humne kya add kiya? Mud. हमने इसमें ऐड किया मड, और ये है वाटर. वाटर को हम ऐसे लिखते हैं H2O, ठीक है? सो बेसिकली हमने क्या, एक अच्छा पानी था, अच्छे पानी में मिट्टी डाल दी, क्या हो जाएगा? गंदा पानी हो जाएगा. मिट्टी ऐड कर दी हमने, पहले भी वी वर हैविंग अ फ्रेश वाटर, नाउ हमने मड ऐड कर दिया, गंदा पानी हो गया. सो क्लास, ये जो मड है
जो इम्प्योरिटीज जो लेके आया है उसे हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है, ज्ञान। और जो प्योर वाटर था दैट वाज और, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ये हल्का सा हम रिकैप कर रहे हैं कि ज्ञान क्या होता है एंड और क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, सेकेंड चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ और। बेसिकली आपका जो ज्ञान पार्ट है और पार्ट है उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, मड को पानी से कैसे सेपरेट करोगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में वी डिस्कस अबाउट सम प्रोसेसेस, यू नो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट सम प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। हमने देखा था फिल्ट्रेशन के बारे में, हम मड को एंड पानी को कैसे सेपरेट करेंगे। आप ज्यादा डिटेल में आप मेरा यू नो देखो वहां पर प्लेलिस्ट, एंड आप फिल्ट्रेशन का पूरा अच्छे से प्रोसेस हमने कैसे एक्सपेरिमेंट से लर्न करा है आप देख सकते हो। वी ऑलरेडी डिड मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर इससे ना आपको मतलब भी समझ आ रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन, सो मैग्नेट, वी आर यूजिंग द मैग्नेट। सो मैग्नेट क्या है, हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल इन दी सैंड इट सेल्फ हमारे पास कुछ आयरन है, कुछ आयरन होता है ना, आयरन मैग्नेट से अटैक यू नो अट्रैक्ट करते हैं, राइट। आयरन लोगे और एक मेटल लोगे, वो क्या करेगा, दूर भागेंगे, पास जाएंगे, पास आएंगे, अट्रैक्ट करते हैं। सो यस, हम क्या लेते हैं, बहुत बड़ा मैग्नेट लेते हैं, इतना बड़ा मैग्नेट लेते हैं, और अगर हम उनको कोई भी इम्प्योरिटी है, मान लो सैंड इज एन इम्प्योरिटी, सैंड इज अ गैंग, उसके अंदर हमने सारे आयरन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। करो अलग, मेहनती हो तो करो अलग, नहीं कर सकते मैम हम अलग, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। सारे मैग्नेट, इतना बड़ा मैग्नेट को उसको ऊपर से हम रिवॉल्व कराएंगे, क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा बिकॉज इतना बड़ा मैग्नेट है। तो सारा सैंड जो इम्प्योरिटीज है, गैंग है, उससे सारे आयरन किसको अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट को। सो आयरन कहाँ पर आ गए, मैग्नेट, सैंड हो गई अलग। So this separation I am talking about, filtration and magnetic separation, हम already discuss कर चुके हैं। ज़्यादा detail के लिए आप मेरे playlist में जाके देख सकते हो। And okay, left out part is this much, sublimation, okay, separating funnel, evaporation, crystallization, distillation, fractional distillation, chromatography, centrifugation. Oh my God, ma'am, इतना सारा, yes class, इतना सारा बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत ही अच्छे से फिल्ट्रेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ा। हम यू नो आज एक और टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आई वोंट डिस्क्लोज इट, है ना, सस्पेंस रहना चाहिए, हर एक चैप्टर के में सस्पेंस होता है तो वो हमेशा रहना चाहिए। तो क्लास, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी कैन क्विकली स्टार्ट आवर सेशन। आज हम इन्हीं प्रोसेस में से, ये जो 3 to 10 है, कौन सा यू नो प्रोसेस है, यू कैन राइट डाउन दीज प्रोसेसेस एंड देन यू कैन गेस कि मैम ये वाला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम। Okay, so okay, now let's start our session. Okay, class, now everyone is ready. I hope that you all are ready. मैं अभी आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, कितने, दो, ठीक है। आपको पीछे दिख रहे एंशियंट पेंट्स, एंशियंट पेंट्स, ओके, बेसिकली व्हाई आई एम सेइंग एंशियंट पेंट्स, बहुत रंग बिरंगे से है ना, सो दैट्स व्हाई। आप देखो बैकग्राउंड में, देखो सब ध्यान से सुनेंगे, बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा है, कपड़े ड्राई हो रहे हैं, है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई, हमारे हमने कपड़ा वॉशिंग मशीन में इधर कैसे भी हमने वॉश करा एंड हमने बोला चलो इसको ड्राई करना है, तो आपने सन में जब आता है, बहुत तेज धूप होती है, आप कपड़े को बाहर जाके वायर पे ऐसे रख देते हो कि ये ड्राई हो जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग, कैसे सूख रहा है कपड़ा, ओके, कपड़े को भूल जाओ, ये सोचो आप आयो दौड़ के, रनिंग करके आयो, ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर, चलो 10 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर रनिंग करके आए हो, हाँ, तो क्या होगा, पसीने आएंगे, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, ओके, ऐसा तो है नहीं, अब पसीने आ गए, स्वेटिंग हो गई और वो होती ही रहेगी। नाउ यू आर डन विद रनिंग, आपने रनिंग कर ली और आप आके आके रेस्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है पसीने आए जा रहे रुक ही नहीं रहा, आप नहा लिए, एवरीथिंग यू डिड इट, पसीने नहीं रुक रहे, ऐसा तो होता नहीं है। क्या हो रहा है, वो जो आपकी स्वेटिंग आई थी वो चली जाती है, कहाँ चली गई, वापस चली गई अंदर या कहीं और चली गई। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट दीज क्लॉथ्स, ये जो कपड़े गीले थे इनका पानी कहाँ गया, सूखा सुखा तो रहे हैं हम, अल्टीमेटली हम वायर पे डाल रहे हैं, तो कहाँ गया इनका कपड़ा, यू विल बी सेइंग मैम आसमान में चला गया, ऐसे कैसे चला गया, कपड़े में था आसमान में चला गया, हाँ। सो क्लास, हम इवन ये भी करते हैं,
जब सन होता है तब ज्यादा जल्दी हमारे कपड़े सूखते हैं, जब सन नहीं है, बारिश जैसा मौसम है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े बाहर नहीं सुखाते, क्योंकि पानी, ऑफकोर्स ही बात है, हमारा पानी जो कपड़े के अंदर है, जिनको वेट बना रखा है, वो नहीं ड्राई होंगे बहुत इजीली। क्यों? थिंक अबाउट इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स, थिंक कि ऐसा क्या प्रोसेस है जो हमने 3 to 10 ऑप्शन देखे थे, उन्हीं में ही आंसर है। लिटिल हिंट फॉर यू ऑल, सोचो। ओके क्लास, आप जब तक सोच रहे हो, नाउ वी कैन इवन स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंट थिंग, कि हमारा ऐसा क्या चीज हो रही है जिससे हमारे कपड़े, इधर हमारा स्वेटिंग, इधर एनीथिंग, इधर इधर आप अपना पानी बॉईल करो, पानी को रखो गैस पे, कर दो आग, यू नो दैट हीट, दे दो उसको बहुत ज्यादा, आप खड़े रहो खड़े रहो, क्या होगा, एक टाइम पानी कम होना शुरू हो जाएगा, है ना, भाप आएगी, पानी कम होना शुरू हो जाएगा, सो एक टाइम होगा पानी है ही नहीं, कहाँ गया वो, पतीला पी गया, नहीं पतीला तो नहीं पीता मैम, सो कहाँ गया, आसमान पी लिया या जमीन ने निकल लिया, ऐसे बोलते हैं ना, आसमान पी गया या जमीन निकल गई, सो क्या हुआ उस पानी का, वी ऑल विल बी सीइंग दिस प्रोसेस, यस क्लास, सो द रीजन बिहाइंड दैट सो मेनी क्वेश्चंस, कि अरे मैम इतने क्वेश्चंस आपने ऐड कर दिए कि पानी आपके जो क्लॉथ से है वो कहाँ जा रहा है, ड्राई कैसे हो रहा है, स्वेटिंग जो आप स्वेट हो रहे हो, इतने रनिंग करके आए हो, वो कहाँ चला गया स्वेट, राइट, आप बॉइल कर रहे हो वो वाला पानी कहाँ चला गया, वो सब के पीछे रीजन क्या है, इवेपोरेशन। जिन बच्चों को पता था कि यू नो दे मस्ट बी लाइक, अरे मैम ये तो बहुत इजी है, हमें पता है इवेपोरेशन, सो क्लास अमेजिंग, अगर आपको पता है तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है। तो इवेपोरेशन में ना, जिन बच्चों को नहीं भी पता था, इट्स ओके, हम अभी देख लेंगे, क्या करूंगे, आपके पास अगर आसपास कोई मग है, टेक दैट, नहीं है तो क्लास के बाद ट्राई टू डू दिस, ठीक है, सब करके देखना। तो क्या करना है आपको, सब ध्यान से सुनना, वेरी अटेंटिवली, एक कप लो, इधर ग्लास, उसमें डालो क्लियर वाटर, यू कैन सी ओवर हियर, अभी जो पिक्चर चल रही है ना, एक पानी लिया, मैंने क्या ऐड किया, सॉल्ट, एंड दिस वाज अ वाटर, ये मेरे पास क्या था, वाटर सॉल्ट। सो बेसिकली क्लास जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या सॉल्ट और वाटर डिजोल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, डिजोल्व का क्या मतलब होता है, मिल जाना, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा, राइट इन द कमेंट बॉक्स फटाफट एवरीवन। सॉल्ट हमने पानी में ऐड किया, वी मिक्स इट अप, डिजोल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, एंड व्हाट अबाउट दिस, इफ वी आर डिजोल्विंग अ मड, मड इज अ सॉयल, इफ वी आर डिजोल्विंग अ मड एंड वाटर, क्या ये डिजोल्व हो जाएगा, राइट, यस और नो, ठीक है, फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर दोनों को दो, डिजोल्व यस होगा, सॉल्ट मड होगा या नहीं होगा, ओके क्लास, ये सॉल्ट आपका डिजोल्व हो जाएगा, बहुत आराम से सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है ना, तो आप क्या करोगे, आप एक कप लोगे, उसमें वाटर डालोगे, वाटर क्लियर वाटर, नथिंग एल्स, उसमें कोई और इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, नाउ मिक्सअप, देखो कितने अच्छे से मिक्सअप हो रहा है, मिक्स कर दो, क्या हो गया, आप देखो यहाँ पर जो आपने मिक्स किया, कैन यू सी इन दिस, ये जो आपके ये जो है, दीज आर सॉयल पार्टिकल्स, ये कितने अच्छे से मिक्सअप हो रहा है वाटर के अंदर, है ना, ये जो सॉयल पार्टिकल्स हैं, ये सॉयल के क्या है, पार्टिकल्स, ये कितने अच्छे से वाटर पार्टिकल में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैम ये तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, टास्क इज, मिक्स तो कर लिया, बहुत इजीली मिक्स कर दिया, सेपरेट कर इन दोनों को, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, गैंग को और एक हमारे ओर को, उन दोनों को सेपरेट करना, सॉल्ट को पानी से सेपरेट करो, ठीक है, कभी कभी होता है ना, अरे इसमें तो ज्यादा नमक लग डाल गया, क्या करें, ज्यादा नमक हो गया, अब आप सेपरेट तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो सेपरेट, कैसे, सोचो कैसे, अभी हमने इवेपोरेशन प्रोसेस हमने डिस्कस करा, हाउ, सो क्लास यस, हम अगेन इवेपोरेशन से ही स्टार्ट करेंगे, इवेपोरेशन से आप इजिली, अगर आपके पास वॉटर है और ज्यादा गलती से ज्यादा पानी, यू नो फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आए और मम्मा ने बोल दिया कि चलो, या तो पापा ने बोल दिया, मम्मा इधर डैड ने बोल दिया कि ना नींबू पानी बना लाओ, ठीक है, आप बोले चलो ठीक है, आप भी चले गए, माँ सो मैं नींबू पानी बहुत अच्छा बनाता हूँ या बनाती हूँ, सो आपने लिया एक कप, एक ग्लास, आपने डाला वाटर, ठीक है, आपने सोचा कि गेस्ट पियेंगे पानी, चलो इतना 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 बना लिया हमने, पानी ऐड करा,
हमने क्या किया, चलो हम क्या करेंगे, लेमन ऐड कर देते हैं, लेमन तो डालेंगे लेमनेड में, है ना। तो आपने क्या किया, लेमन ऐड कर दिया। ओके, फिर आपने देखा अरे ये तो टेस्टी नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। तो सॉल्ट आपका ना, अब मम्मा ने तो, मम्मा और डैड ने बताया था कि हमें 1 चम्मच डालनी होती है, आपने डाल दी 5 चम्मच, 5 स्पून आपने इसके अंदर डाल दी। ना आपने टेस्ट किया, अरे कितना ज्यादा नमक है, कैसे इसको सेपरेट करें, कैसे करें सेपरेट, बहुत ज्यादा नमक डल गया, फेंको सारा, सारा फेंक दूंगी, नहीं हम सारा नहीं फेंकेंगे, वाई टू वेस्ट, हमारे पास प्रोसेस हमें पता है, हम वो प्रोसेस हम करेंगे और हम पानी से नमक हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड देन आप वापस से वही पानी को यूज करके आप अपना ये प्रोसेस, आप वापस से लेमिनेट बनाने के लिए आप वापस से रेडी हो वही सेम पानी यूज करके। ठीक है, मैजिक लग रहा है कि कैसे सॉल्ट को यूज करेंगे। सो क्लास, इवेपोरेशन हैपेंस व्हेन अ लिक्विड सब्सटेंस टर्न इनटू गैस। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इसके अंदर ऐड कर दूं, पानी ऐड कर दिया मैंने, क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। और मैंने क्या किया, हीट कर दिया इसको, तो बेसिकली क्या होगा, पानी एक टाइम तक तो हीट होगा, होगा गर्म होने लगेगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो क्या करेगा, इवेपोरेट चला जाएगा, पानी ऊपर इवेपोरेट करेगा, जो भाप दिखती है आपको दैट इज इवेपोरेशन। फिर एक टाइम आएगा आपको ये पूरा पानी ये होगा ही नहीं, इट्स ऑल एम्प्टी, पूरा खाली है। तो दिस इज इवेपोरेशन व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू अ गैस। एक लिक्विड, इसमें पानी लिक्विड था और लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, सो इन दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस, दैट कन्वर्ट टू वेपर, जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम वॉलेटाइल कहते हैं। जैसे कि वाटर, पानी हो रहा है, पानी को आप हीट करो, सो क्या होगा, लिक्विड से वेपर में चला जाएगा, वेपर इज गैस, ठीक है, लिक्विड से वेपर बन जाएगा, तो वाटर इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। ओके, नॉन वॉलेटाइल भी कुछ होता है, ऑफ कोर्स नॉन लगा दिया हमने आगे, क्या होगा, आपके वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, डू नॉट वेपराइज, हमारा वो लिक्विड का लिक्विड, इधर सॉलिड का सॉलिड, वो आपका वैसा का लिक्विड तो है ही वाटर, तो लिक्विड हमेशा गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना, नॉट हमेशा, दे आर अदर सब्सटेंसेस आल्सो जो नहीं कन्वर्ट हो रहे, सो बट राइट नाउ वी विल फोकस ऑन वाटर, वाटर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल ऑन दी अदर हैंड इज नॉट वेपराइजिंग, वो अगर आप हीट करते जाओ वो वैसे की वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो वेपर वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो क्लास, अभी तो हमारे पास एक मोटिव है कि हमें सॉल्ट को करना है अलग वाटर से। देखो अभी सब देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को कि हमने कैसे अलग किया। देखो एवरीवन, क्या किया हमने, वाटर लिया, इसमें वाटर है, इस वाटर को, दिस इज क्लियर वाटर, ठीक है, नो इम्प्योरिटीज इज देयर, हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, सॉल्ट, उसको अच्छे से कर दो, बहुत अच्छे से कर दो मिक्सअप का। देखो आप सब ना घर पे ट्राई करना, थोड़ा सा टाइम लेगा, गर्म पानी लोगे ना जल्दी मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपका ठंडा पानी होगा तो टाइम लगता है, हमने ये डिस्कस करा था क्लास फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तब, हम गर्म पानी में आपके पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पार्टिकल मूव करेंगे क्या होगा, मिक्स यूं हो जाएगा, ठंडा पानी है पार्टिकल आराम आराम से मूव करते, टाइम लगता है मिक्स होने में। तो देखो अच्छे से मिक्सअप हो गया, सॉल्ट एंड वाटर ऑन करो, आप कोई भी यूटेंसिल ले सकते हो, तो आप ये पूरा सोल्यूशन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो दिस सोल्यूशन हैज सॉल्ट एंड वाटर राइट नाउ, ठीक है, सॉल्ट और वाटर दोनों इस सोल्यूशन के अंदर है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, गैस ऑन रखो, तेज रखो, ऑब्जर्व इट, कैन यू सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पानी कम हो रहा है और साइड में देख पा रहे हो ये कुछ व्हाइट व्हाइट इकट्ठा हो रहा है, क्या है ये व्हाइट व्हाइट, दिस इज सॉल्ट, ये तो वेपराइज हो रहा है, दिस दिख रही, ओ माई गॉड, सी सारा सॉल्ट इकट्ठा हो गया है और वाटर कहाँ गया, वो आसमान में चला गया, इवेपोरेट हो गया, क्योंकि वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, सॉल्ट इज अ नॉन वॉलेटाइल, तो वो क्या है, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल। तो हैव अ लुक,
आपके पास ये सॉल्ट है, पानी सारा इवेपोरेट हो गया, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. नाउ क्या हुआ, पानी से आपका सॉल्ट अलग हो गया. नाउ यू डोंट हैव एनी वाटर इन इट, आपके पास सिर्फ है सॉल्ट. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी जस्ट यूजिंग अ स्पून. एक स्पून लो एंड आप क्या कर सकते हो, इसको अलग, ये देखो सारा सॉल्ट आ गया ना हाथ में, सारा सॉल्ट आ गया. आपने कितना भी सॉल्ट ऐड किया था वो सॉल्ट आपके पास आ गया. तो नाउ योर सॉल्ट इज बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ वाटर. बहुत इजी प्रोसेस है. क्या किया, सिर्फ आपने एक गैस ऑन करी, आपने एक ग्लास लिया, मिक्सअप किया एंड आपने एक कोई भी यूटेंसिल ले लो, यहाँ तो कढ़ाई ले रखी है, इंस्टेड ऑफ आप यू नो पतीला ले सकते हो, एनी यूटेंसिल यू कैन टेक इट. आप अवन पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू इज, पानी आपने लिया, हीट कर दो. यू हैव टू वेट, इट्स नॉट लाइक 1 मिनट में हो जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा. वेट फॉर 15 मिनट्स, आप गैस ऑन रखो, आपका पानी विल टेक टाइम टू इवेपोरेट. वॉलेटाइल सब्सटेंस है, यस इट विल इवेपोरेट बट इट विल टेक अ वाइल, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा. पानी जब सारा इवेपोरेट हो गया, अब आपको पानी नहीं दिख रहा है, क्या दिखेगा, सॉल्ट दिखेगा, सिर्फ सॉल्ट. तो हो गया अलग, यस हमने कर दिखाया, अब हमारे पास सॉल्ट अलग हो गया एंड वाटर अलग हो गया. क्लास हमने ये प्रोसेसेस आज भी करते हुए आ रहे हैं. आप दे देखा होगा सी में, जो सी होती है कितना नमकीन पानी होता है ना. ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई सी में गुम हो गया, ठीक है, मान लो सी में कोई जा रहा था एंड बोट से जा रहा है एंड भूल गया वो रास्ता, ठीक है, रूट भूल गया, तो वो भी प्यासे मर जाते हैं. वाई भाई, सी में वो जा रहा है, उसके आसपास सारा पानी है और उसकी अगर जो एक बोट है वो तो क्या है, जो बोट है उसकी वो तो सी के अंदर है, कभी भी पानी नहीं, उसमें मरना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो भी पानी से मर जाते. क्यों, बिकॉज सी का ना पानी बहुत सॉल्टी वाटर होता है. क्या होता है, बहुत सॉल्टी वाटर. सो क्लास अगर आप कभी जंगल में या फिर ट्रैकिंग कर रहे हो, अगर बहुत सॉल्टी वाटर अभी आपको पिया, आपने पानी, प्यास भी लग रही है, पानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, आप ज्यादा नमकीन पानी पियोगे क्या हो जाएगा, आपके अंदर के ऑर्गन सब खराब हो जाएंगे, है ना, बीमार हो जाओगे. बहुत नमकीन पानी भी नहीं पी सकते हैं हम. अगर आपको प्यास भी लग रही है तो क्या करोगे, ये वाला प्रोसेस करोगे, इवापोरेशन, जिसमें सॉल्ट अलग, वाटर अलग और आप पानी, आप क्या कर लिया, आपने कर लिया सॉल्ट को अलग. ऐसे आपके क्या बनते हैं, सॉल्ट आपके फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है क्लास, और वाटर आपका हो जाएगा अलग. अब आप बोलोगे मैम इवेपोरेशन से तो हमें प्यास लग रही थी, पानी तो उड़ गया, अब हम पानी कैसे पिए, सॉल्ट हो ना पीना है हमें, आप पानी भी पी सकते हो. हाउ, आप क्या करो, हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कंडेंसेशन, हमने एक कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा था, नहीं आपको पता, सो आप मेरी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो. कंडेंसेशन में क्या है, हम जो वेपर्स आ रही हैं, मान लो जब हमने इसको हीट करा, इसके कुछ वेपर्स आ रहे होंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वेपर्स को हमने कर दिया एक पन्नी से कवर, इस पूरे यूटेंसिल को किसी से कर दिया कवर, मान लो एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया, तो क्या होगा, उस एल्यूमिनियम फॉयल पे बन जाएंगे ड्रॉपलेट्स, बन जाते हैं, राइट, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे. अब वो जब छोटे छोटे स्टार्टिंग में छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, क्या होगा, वो सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके बड़े होने लग जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ज्यादा इवेपोरेट हो रहा है, सॉल्ट नीचे बच रहा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है. तो उस वाले पानी को आप क्या कर सकते हो, इन बिटवीन आप एक और शीट लगा सकते हो, आप उस पानी को इकट्ठा कर सकते हो, वाटर आप वैसे अलग कर सकते हो फ्रॉम सॉल्ट एंड देन यू कैन ड्रिंक, ठीक है. तो सॉल्ट अलग हो गया, पानी अलग हो गया. ओके क्लास, सो आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज क्लियर है, इवेपोरेशन कैसे एक सॉल्ट को और आप वाटर को अलग करोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि यू हैव मड, मड और यू हैव यू नो मड इज अ सॉयल, वन एंड द सेम थिंग, एंड यू हैव वाटर, कैन यू यू नो सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, कर सकते हो क्या सेपरेट, मैंने मिक्सअप किया और मैं इसको गैस पे रखूं और मैं हीटअप कर दूं, तो ये क्या होगा, पानी तो उड़ जाएगा, सॉयल रह जाएगी. कर सकते हो इवेपोरेशन से, कर सकते हो, बट इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपका ऐसा नहीं होगा कि सॉयल बच गया, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है. सो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस के लिए आप अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हो, जिसमें आप फिल्टर पेपर ऐड करोगे
एंड आप ये मडी वाटर इसके अंदर इंक्लूड करते हो. तो क्या होता है, मड आपका फिल्टर पेपर में रह जाता है, अच्छा अच्छा पानी आपका इस बीकर में आ जाता है, दैट्स इट. तो हर एक प्रोसेस का अपना, हर एक यू नो सेपरेशन का अपना अपना प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को आप सब माइंड में रखोगे एंड देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है. नाउ वी विल सी सम एप्लीकेशन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है एप्लीकेशन. सी ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स होते हैं जब हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नो जब हम फेस में जाते हैं, सो यूजुअली ड्राइड फ्रूट लेके जाते हैं, राइट. तो ड्राइड फ्रूट्स, नाउ हैव अ लुक, कंसंट्रेटेड फ्रूट कंसंट्रेशन, दिस इज अनदर एप्लीकेशन. स्पेस फूड, देखो यहाँ पर स्पेस फूड, तो यस. सॉल्ट ड्राइंग प्रोसेस, देखो यहाँ पर अगेन कैसे हमें सॉल्ट मिल रहा है. वी हैव अ वॉटर, वी मेड सम यू नो ऐसे चैनल्स हमने बना लिए, जस्ट ड्यू टू सन, यहाँ पर सन है, सन हीट, हीट आएगी, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से वॉट विल हैपन, सारा वॉटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड नाउ सॉल्ट विल बी लेफ्ट आउट. तो सॉल्ट आपका ऐसे फॉर्म होता है, सॉल्ट आपका किसी पेड़ पे नहीं लगता है, सॉल्ट आपका ऐसे बनता है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक आप गए आपने फ्रूट की तरह यू नो पेड़ से ले लिया, नो. आप वी विल इवेपोरेट द वाटर, बहुत सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट करेंगे, योर सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड. इन लेबोरेटरीज भी काम आता है ये प्रोसेस, ठीक है क्लास. आई होप नाउ इट्स क्लियर. इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का यही मतलब होता है ड्राइड फ्रूट में कहाँ यूज आ रहा है, ड्राई फ्रूट में, फ्रूट कंसंट्रेशन, स्पेस्ड फूड में, यू नो सॉल्ट ड्राइंग प्रोसेस में, लेबोरेटरीज में. ये कुछ एप्लीकेशन है जहां पर हम इवेपोरेशन को यूज कर रहे हैं. ऑल डन, किसी को कोई डाउट एक इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर की हमने अभी तक क्या डिस्कस करा, यू नो बस यही चीज याद रखना, इवेपोरेशन प्रोसेस में एक होता है वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक होता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस. वॉलेटाइल सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं कन्वर्ट होता, दैट्स व्हाई नॉन लगा दिया हमने, है ना. ओके, सो हमारा लेफ्ट आउट पार्ट क्या रह जाएगा, लेफ्ट आउट मतलब वो रिमेनिंग रह जाएगा और बाकी हमारा इवेपोरेट हो जाएगा. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन. ओके क्लास, सो वी डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन, यू नो फुल प्रोसेस हमने डीपली डिस्कस करा है, बहुत एक्सपेरिमेंट करके, राइट. आप सब घर पे जाके ट्राई करना, बीकर लो एंड देन उसमें वाटर ऐड करो, सॉल्ट ऐड करो, हीट दो एंड यू विल सी द रिजल्ट जो हमने डिस्कस करा है. सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, सो राइट इट. आई विल टेक यू नो डाउट्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ. एंड if you really like this session, so class, go and just put, click on this thumbs up and like this session and share it. Help others also. And, you know, this process, all the processes that we are learning, it's really important. Bahut important hai chapter 2 mein. ठीक है, एंड सब्सक्राइब इट. हमारा जैसे ही न्यू, जैसे अगर राइट नाउ वी आर डूइंग चैप्टर 2, सो नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू मिस आउट. So basically, if you will subscribe, you will, you know, you will get a notification when we will be having a class. So you won't miss out. Okay, class. And don't forget to use this code RAY10. There is a flat 10%, flat 10% off. So you have to download the app, Unacademy Learners app. And that is easily available in the Play Store. And we discuss about a subscription pitch. So according, based on your comfortability, you can take your, you know, for example, if you are taking for 48 months, either 24 months. So just use this code and take the subscription, right? So for the timing, have a good day, class, and thank you, and take care of yourself. Let's crack it.